आप लोग मेरे को लगातार मैसेज कर कर पूछ रहे हो कि दीदी आपने हेल्पर कैसे रखी है, यूरोप में तो इतनी महंगे हैं, ये 1 घंटे का लेती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ गुरमीत कौर और मैं हूँ अरमान सिंह। आप सब कैसे हो? हम सब अच्छे हैं। सुबह हो गई है, अरमान बाबू उठ गया है और उठकर बैठा अपनी चेयर में, अभी खाएगा। और अगर अभी तक आपने हैप्पी सिंह फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स और हैप्पी सिंह फैमिली का मेम्बर बनिए। मैं और अरमान सोच रहे हैं क्या खाएं। आज मैं बनाऊंगी पीटा ब्रेड, हाँ बेटा और लेना, और चिकन सॉसेस के साथ, अरमान को वो अच्छा लगता है। ये मैं ब्रेड लेकर आई थी। पहले मैं इसको तवे के ऊपर गर्म करूंगी पानी लगाकर, फिर उसमें डाल देंगे चीज़, जो मर्जी डाल सकते हो, सैलड जो आपको पसंद है। मैंने बनाई है ग्रीन चटनी हरे प्याज की, उसके साथ मैं खाऊंगी। ये है ब्रेड, थोड़ा सा पानी लगाना है और अभी हम रख सकते हैं तवे के ऊपर। इसको करते हैं गरम। ये फूल कर ना बड़ा हो जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है ये वाला ब्रेड। जब ये ब्रेड गर्म हो जाएगा ना तो फूल आएगा। देखिए फूलना शुरू हो गया, जैसे नान नहीं वैसे होता है ये वाला ब्रेड। बाहर आ रही है आज बारिश और बहुत तेज हवा, सुबह से ऐसे ही आ रही है। लीजा अवलीन आज भीगते हुए गई अम्ब्रेला लेकर। चाहे कुछ हो, बच्चों को तो स्कूल जाना ही पड़ता है फ्रेंड्स, बरसात आए अंधेरी आए। हमारा ब्रेड हो गया रेडी। अरमान क्या है? मम्मा ब्रेड बनाती है, आपने और लेना? ले लो, हाय बोलो। हाँ ऐसे खाते हो? हाँ बस वो दिखाते हो कैसे खाते हो। हमारा ब्रेड हो गया रेडी, अभी मैं इसको बीच में से ऐसे फाड़ लूँगी, ऐसे हो जाता है देखिए। अभी मैं डाल दूंगी इसमें चीज़, ऐसे 2 पीस हो गया। और अभी हम इसमें डाल देते हैं चिकन सॉसेस। और डाल देंगे ग्रीन चटनी, मायनेस भी डाल सकते हो। हाँ बेटा क्या लेना? देखिए डाल दिया। और थोड़ा सा डाल देते हैं सैलेड, सैंडविच बन जाएगा हमारा। थोड़ी सी डालेंगे ऊपर मायोनेस, उसको भी लगा देते अच्छे से अंदर तक। ये है हमारा ब्रेड। तो अभी मैं करूँगी इसको ट्राई। साहब को मैंने कॉफ़ी दे दी है और उसके साथ बिस्किट, और सो रहे हैं दवाई लेकर, थोड़ा फ़र्क है कहते। थोड़ी देर बाद जब उठकर आएंगे तो फिर मैं उनके लिए भी बना दूंगी। अरमान बाबू ने सुबह ब्रेड खाया, इसका पेट फुल, अभी ये सोएगा। ये है हमारा पीटा ब्रेड और मैं खाकर देखती हूँ कैसे बना। बहुत टेस्टी है, गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगता है। आ गए हैं साहब, बताइए कैसे हो आप? ठीक है, अब थोड़ा फर्क है। मैंने ब्रेड बना कर दिए हैं, मैंने कहा खा लो। पहली बार खाऊंगा कल। ये ब्रेड बहुत अच्छी है, रोटी वर्गी है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे नान नहीं होता, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं गर्म करने पर ना। बहुत अच्छा। फोन गुस्सा आ जाए तो नीचे फेंक देता, डर भी लगता है इससे। मेरे को, मैं इसके पास बैठी हूँ, चलाने लग गया फोन। आई पैड हाथ देखो चलता फोन पर। हेलो बोलना नहीं आता, फोन चलाना। हाँ बोलना है ही नहीं बस। हेलो गाना चला चला लो गाना। खुश हो गया। मेहमान बाबू सो गया और मैं आ गई हूँ अलीजावलीन की अलमारी को ठीक करने। उनके सूट निकाल कर देख रही थी, जब वो खुद पहनती है ना तो आगे से पीछे कर देती हैं सारे सूट। अब ठंड आ गई है तो मैंने कहा चलो जो पतले सूट है उनको पीछे रख देती हूँ, दूसरे आगे रख देंगे। बच्चे हैं ना, बहुत जल्दी सूट छोटे हो जाते हैं, बस एक एक दो दो बार पहनती हैं। इतने प्यारे लगते हैं देखने में।
मेरे को बहुत शौक है कि रिजाउद्दीन सूट पहने, पहनती भी है जब गुरुद्वारा साहिब जाती हैं। मैंने कहा चलो लपेट दो अच्छे से एकदम, अभी वो आ जाएंगी लंच करने और उसके बाद आ जाएगी हेल्पर, तो फिर कर देंगे सफाई वीक की। और मान एक घंटा सोता है, देखते हैं अब कितना काम फिनिश हो सकता है उतना। अब इनके सारे सूटों को मैंने अच्छे से लपेट दिया और अभी हम इनको रख देते हैं अवलीन की अलमारी में अच्छे से, और इधर भी खाली कर दिया। अलीजा अवलीन ने अपनी चूड़ियाँ टांग कर रखी हैं, जब कहीं जाना होता है ना तो पहन लेती हैं। अलीजा अवलीन के रूम को साफ कर दिया, उनके कपड़े भी सेट करके रख दिए हैं मैंने, अलमारियों को सेट कर दिया अच्छे से। चलो अब ये काम भी फिनिश हो गया, हेल्पर भी आ गई है, वो भी लगी है। अरमान बाबू उठ गया, वो भी हमारे साथ बिजी है इधर। अरमान सफाई चल रही है, जब वो आ जाती है तो उसके पीछे पीछे रहता है अरमान। अच्छा ले जाओ नीचे, आप खेलो बेटा, टीवी देख लो। हैं अरमान टीवी देख लो आप, कहता मैंने बाथरूम साफ करना है। नहीं बेटा काम करने दो, मम्मा थोड़ी सी हेल्प कर देना, आप जाओ नीचे। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, हेल्पर चली गई है, बहुत हेल्प हो जाती है फ्रेंड्स अगर वो आ जाती है, उसके बहाने से मैं भी कुछ ना कुछ काम कर ही लेती हूँ। आज मैंने अरमान को पहले सुला दिया और मैं पहले ऊपर चली गई, लीजा अवलीन की अलमारी को साफ कर दिया, कपड़े देख लिए उनके जो छोटे थे वो निकाल दिए और अच्छे से उनका कमरा साफ हो गया। बाद में वो आ गई, उसने मेरी हेल्प की, बाथरूम साफ किया, ऊपर सारे सफाई कर दी, फिर हम लोग नीचे आ गए, नीचे आके उसने मेरी हेल्प कर दी, अभी वो चली गई है कॉफी पीकर। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती थी फ्रेंड्स, आप लोग मेरे को लगातार मैसेज कर पूछ रहे हो कि दीदी आपने हेल्पर कैसे रखी है, यूरोप में तो इतने महंगे हैं फिर भी आपने हेल्पर रखी है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने हेल्पर कितने दिन के लिए रखी है और कितने घंटों के लिए रखी है। मेरी हेल्पर वीक में एक दिन आती है, दो घंटे काम करती है, एक घंटे का 15 यूरो लेती है फ्रेंड्स, जो इंडिया का 1250 है, और दो घंटे का वो लेती है 2500 रुपए। डेली मैं अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, इतना पैसा मैं नहीं भर सकती, पर वीक में एक बार जो बड़ा बड़ा काम होता मैं उससे करवा लेती हूँ, बाथरूम साफ करवा लेती हूँ, वैक्यूम क्लीनर पोचा लगवा लेती हूँ ऊपर तक, क्योंकि अब मेरे से हो नहीं पाता, अरमान छोटा है ना तो मैं उसके पास रहती, इतने में मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती। आप लोग कहते थे दीदी हमको बुला लो, अगर मैं इतना अफोर्ड कर पाती तो आप लोगों को ज़रूर बुला लेती फ्रेंड्स, पर वीक में एक ही दिन आती है, मेरे लिए वो ही बहुत है। आज सारा काम ख़त्म हो गया और मन की तसल्ली भी हो गई है कि ऊपर तक पूरी सफाई हो गई है। अब मेरे पास टाइम बच गया कि आप लोगों के साथ बात करूँ, एडिटिंग करूँ और बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे सकती हूँ, लीजा अवलीन के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, उनका होमवर्क में मदद कर सकती हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये भी ज़िंदगी में एक ही बार आता है, जब निकल जाता है तो फिर हम लोग पछताते हैं। और मैं जाकर बैठूंगी थोड़ी देर, बैठने के बाद फिर जाऊंगी किचन में और बनाऊंगी डिनर। जब सर्दियां हो जाती हैं तो दिन का पता ही नहीं चलता कैसे दिन उगता है और शाम हो जाती है। अब 4 बज भी गए हैं और अभी मेरा काम खत्म हुआ है। अरमान की आवाज़ें आ रही हैं, जब अलीजा अवलीन होती है तो बहुत खुश रहता है, आजकल वो हेल्पर के साथ बड़ा खुश रहता है, उसको जाकर बिस्किट देता है और उसके पास जाता है, उसको बोलता है हाओ हेलो हेलो, इतना हंसती कहती मेरे को पहचानने लगा अरमान, उसके साथ ही जाता सफाई करने। तो आज मैंने इसको बांध कर नीचे रखा, जब तक ये सोता रहा मैंने उसकी मदद की और उसके बाद मैंने अरमान को संभाला। तो चलते हैं, करते हैं काम, काम कभी ख़त्म नहीं होते, आप लोगों को पता ही है, जिनके छोटे बच्चे हों उनका तो बिल्कुल ही नहीं खत्म होता। हाय फ्रेंड्स, अरे मैं स्कूल से आ गई और गाइस हम स्कूल पर इतने सारे चीजें गए हैं, आज हम अंडा काट दिया, वाओ, और आज हम प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। अंडा ही पास कितने अच्छे से काटता है ना अंडा, मैं कर सकती हूँ। और आज हमारा है डांस क्लास और मैथ्स क्लास। आपने क्या किया स्कूल पर नोटी? आज मैंने शुरू रखा स्कूल पर, उन्हें गाने गाए। कौन सा गाना गाया? और एक मैंने आप पे मिलाया। कहती अवलीन कि सेंटा क्लॉस आ जाओ, वो स्पेन में रहता ना, बच्चों के लिए स्पेशल आता है हर साल।
एक ना क्रिश्चियन संत था, वो बच्चों को गिफ्ट बांटता था, तब से ये प्रथा चली आ रही है इनके स्कूल पर, घरों में सब लोग मनाते हैं सेंटा क्लॉज। शूज रखो और उसमें गिफ्ट आएगा। शूज रखो रात को घर में और सुबह गिफ्ट मिलता है। वो रात को आता है अपने हेल्पर्स के साथ। 5 दिसंबर को मिलेंगे इनको गिफ्ट्स। और अवलीन बहुत एक्साइटेड है गिफ्ट लेने के लिए। मैं कर देती हूँ बेटा, अरमान के बाजे देखना। बहु 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 क्या हाल कर दिया रसोई का, मैंने अभी साफ की थी बेटा। अवलीन क्या हुआ? हाँ ये गिर गए ना स्कूल पर, कहती चोट लग गई यहाँ पर। चलो कोई क्रीम लगा दो बेटा। बर्फ डाल देना उस पे। नहीं नहीं क्रीम लगाएंगे, तेल लगा देंगे सरसों का, ठीक हो जाए। हंस भी रही है, कहती आज डांस नहीं करना है क्योंकि मेरी लात दर्द करती है। अरमान खा रहा नाशपति। हाँ बेटा आज मैं नहीं कर पाऊंगी। क्या करोगे बैठ कर सारा दिन? पास। मेरे पास बैठोगे? बैठो। दर्द हो रहा है? आपकी क्लास का टाइम हो गया। आज लीजा करेगी रिहर्सल, फिर इसका एग्जाम होगा ना डांस का। अवलीन भी करेगी। अवलीन कहती मेरे पेन हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा अवलीन को। थोड़ी सी कर लेना बट थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट वीक आपका वो होगा ना एग्जाम, फिर आपने अच्छे नंबर लेने हैं ना डांस में। हाँ तो फिर कर देना बस। नंबर लेते हैं। अरमान खेलता छाते के साथ। वाह अरमान। अरमान चलाओ गाड़ी। आया मैं गड्डी मोड़ के। आजो आजो। आया मैं गड्डी मोड़ के। ओए पेन तो नहीं हुआ बेटा? पापा ने बहुत जोर से मारा। आराम से भाई, चलो मैं करूं। चलो मैं चलाती हूँ, बस इतना सा चलाती हूँ मम्मा। आराम से करना साहब। फिर वहां पर नहीं, उसका पैर लगता आगे ना, पैर नहीं लगते। अलीजा अवलीन की प्रैक्टिस चल रही है, आज एग्जाम है ना। हो गया? और ये वीडियो बनाया आपका है। अब क्या करेंगे देखो, अप टू करेक्शंस। फर्स्ट करेक्शन वी विल मैच ऑल द स्टेप्स, आप मेरे से पीछे नहीं चलोगे। सो वट एवर स्टेप अलीजा अवलीन रौनक, वट एवर स्टेप मेरा हाथ इधर है तो आपको सेम मैच करना है एकदम, ठीक है? क्योंकि आपके पास म्यूजिक 1-2 सेकंड्स के बाद आता है। बच्चे अवलीन तो ले रही है अपनी क्लास। मैंने बनाया चावल, उसको बना दूंगी सब्जियां डालकर, और थोड़ा सा चिकन पड़ा है उनके साथ हम लोग करेंगे डिनर। अभी मैं बनाऊंगी ब्राउन राइस, मेरे पास लेफ्ट ओवर चावल पड़े हैं, ये मैं डाल देती हूँ पैन में। काफी सारे हैं तो हम इनको चेंज कर देंगे। इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे सोया सॉस। अभी हम धीरे धीरे इनको हिलाएंगे और धीमी आंच पर इनको गरम करेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिकन ग्रिल किया है, जब राइस बन जाएंगे फिर मैं उसमें ये वाला चिकन मिक्स कर दूंगी। अभी मैं डाल दूंगी सीजनिंग और इसको हिला देंगे, बिल्कुल वैसे ही चावल बन जाएंगे जैसे चाइनीज ब्राउन राइस बनाते हैं ना। चिकन ऐड कर दिया, अभी हम इसको हिलाते हैं, बच्चों को देते हैं डिनर। हो गया रेडी? आजो बेटा डिनर रेडी हो गया है। मैंने ली है मिक्स सब्जी जो मैंने कल बनाई थी, उसके साथ बनाई थोड़ी सी दही पुदीने वाली, साहब को भी दी है। मैंने कहा अच्छे से खाओ जल्दी से ठीक हो जाओगे। अरमान बैठा है, ट्राई करती हूँ खाएगा कि नहीं। इसका भी मूड ही होता है खाने पर, कभी दिल करता है कभी नहीं करता। ले लो अरमान। हाँ लो बेटा। हाँ अपने आप ले लो, अपने खा लो, खा कर दिखाओ फ्रेंड्स को कैसे खाता अरमान। खा लो फिर। सो मैंने खाना नहीं था नासी, तो मैंने पापा को दे दिया, और मम्मा मेरे लिए रोटी पका रही है और मम्मा भी खाएंगे। और आज है कैसी रोटी बनाई है?
पराठा बनाया अवलीन के लिए। यस पराठा। कहती मैंने नहीं खानी रोटी मम्मा। एक्चुअली हम गोल गोल बनाते हैं आज, ये मेरी फेवरेट रोटी होती है मम्मा। अचार, अचार भी है, सब कुछ मिलेगा। देखते हो तो अचार। मेरे को बटर देना बेटा आपके पराठे पर। ओह यस, सामने पड़ा बटर देखो ऊपर। यस हां, ये वाला देखो। दिस इज बटर। अरमान देख रहा है। डबल का बटर। चार के लिए पराठे बन गया और अभी मैं खाएंगी।